एवरीवन, काफी सारे एचएससी स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है फॉर्म फिल करने के लिए। उनके बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उनका वो है कि सर अगर सपोज मैंने एक जगह पे कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो उसके बाद में चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। तो आंसर इज येस स्टूडेंट्स, आप इजिली चेंज कर सकते हो आपके एडमिशन। यानी से फॉर एग्जाम्पल बाई कॉलेज में इन हाउस कोटा में पहले बीकॉम में एडमिशन सिक्योर करवा लिया है, आफ्टरवर्ड फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब भी आता है यूनिवर्सिटी का और आपको से फॉर एग्जाम्पल पैथ में एडमिशन लेना है जो आपको दूसरी कॉलेज में मिल चुका है। सो थिंग इज दैट स्टूडेंट्स यू कैन इजिली चेंज योर एडमिशन। आप मिटीबाई कॉलेज से विड्रॉ करके यानी आपका एडमिशन विड्रॉ करके आप दूसरी कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक बार आपने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया उसके बाद आप कोई दूसरी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, वैसा नहीं है। यू कैन इजिली चेंज योर एडमिशन। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स का वो आता है कि सर माइनॉरिटी कोटा में कैसे एडमिशन मिलेगा। सो माइनॉरिटी कोटा के लिए उतना स्टूडेंट्स ध्यान में रखो, आप जो मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे कोर्सेज के बाद आपको नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं माइनॉरिटी में, वहां पे आपकी जो माइनॉरिटी आप वो एक सेलेक्ट कर सकते हो। और एल्स आप जब भी कॉलेज के मैन्युअली फॉर्म भरोगे यानी हर एक कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आपको वहां पे माइनॉरिटी फॉर्म फिल करने हैं। एंड स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स का वो आता है कि सर कितने सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, से फॉर एग्जांपल मुझे बीकॉम करना है तो बीकॉम में कितने सारे कोर्सेज दिए, उसमें से क्या मैं सिलेक्ट करूं। सो स्टूडेंट्स डोंट वरी, ये वीडियो के द्वारा आपको पूरी डिटेल मिलेगी उसकी। ये वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी जानकारी मुंबई एडमिशन ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखें। ये वीडियो के थ्रू आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके माइनॉरिटी के रिलेटेड क्या एडमिशन है, कि आपको एक बार कॉलेज में एडमिशन लिया उसके बाद में और कॉलेज में ले सकता हूं कि नहीं, और इस कोर्सेज के डिटेल के कोर्सेज में क्या सिलेक्ट करना है, ऑटोनॉमस सिलेक्ट करना, रेगुलर सिलेक्ट करना, कौन सी कॉलेज में क्या सिलेक्ट करना, वो पूरी डिटेल आपको ये वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। एंड साथ साथ ये वीडियो के थ्रू मैं सारे मेरिट लिस्ट एंड मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सर्कुलर निकला उसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूं, तो ये वीडियो को जरूर से जरूर एंड तक देखें। आज के वीडियो में आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। सो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना पड़ेगा ताकि आपको कोई भी स्टेप आपका गलत ना हो जाए और मिस्टेक ना होए फॉर्म फिल करने के लिए। एंड आज के वीडियो में सबसे पहले मैं वो चीज़ कवर अप करने वाला हूँ, सो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कोर्स सिलेक्शन में कि हम लोग कोर्स क्या सिलेक्ट करें, बिकॉज काफ़ी सारे कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है कि ऑटोनॉमस के रिलेटेड के रेगुलर के रिलेटेड। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो भी डाउट है माइनॉरिटी के कि सर इसमें माइनॉरिटी ऑप्शंस नहीं आ रहे, माइनॉरिटी कोटा में कैसे एडमिशन होगा, तो सारी जानकारी मैं आज के वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। सबसे पहले मैं आप लोग को सारे स्टेप्स बता दूं कि क्या क्या टॉपिक्स आज मैं कवर करने वाला हूँ वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हाउ टू अप्लाई, यानी कौन से वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है, एंड उसके बाद कौन से कितने कितने टाइप के स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उसके बाद सर्च एंड अप्लाई फॉर कोर्सेज, यानी कौन से कोर्सेज अप्लाई करने हैं, कितने मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर सकता हूँ, कितनी सारी कॉलेजेस पे अप्लाई कर सकता हूँ, सिलेक्शन फॉर ऑटोनॉमस कोर्सेज एंड रेगुलर मुंबई यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोर्सेज में क्या डिफरेंस है, एप्लीकेशन कैसे प्रिंट होगा, ई सुविधा टिकट कैसे प्रिंट होगा, प्लस आफ्टर मुंबई यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बाद कॉलेजेस के एडमिशन किस तरह से भरने हैं, एंड मुंबई यूनिवर्सिटी का मेन चीज दैट इज सर्कुलर जो निकला है एंड मेरिट लिस्ट निकला है उसका क्या प्रोसीजर है, वो सारी जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। सो आप ये देख सकते हो कि ये आपको ये वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है, दैट इज MUMOA.digitalUniversity.ac। जैसे आप ये वेबसाइट पे जाओगे उसके बाद आपको फर्स्ट जो स्क्रीन दिखेगा आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें आप लोग को रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कर दिया रहेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने नहीं करवाया उन लोग को सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक और एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सारी जानकारी डिटेल से देनी है, दैट इज़ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यानी आपका रिलेशन टाइप विथ फादर्स और हस्बैंड फर्स्ट नेम, देन मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी। और ये पूरी जानकारी जैसे आप फिल कर दोगे और एक्सेप्ट करके रजिस्टर पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपको यूज़र आईडी आ जाएगा। यूज़र आईडी आने के बाद
आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी, जैसे आपको यूज़र आईडी मोबाइल में आ जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन किया है आपने और जो मोबाइल नंबर दिया रहेगा वो मोबाइल नंबर पे आपको रजिस्टर यूज़र आईडी आ जाएगा। आपको वन टाइम पासवर्ड देंगे, आपको सिर्फ वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई जैसे आप करोगे आपके बाद आपको खुद से एक नया पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद वापस से आपको वही स्क्रीन में जाना है एंड वो स्क्रीन में जैसे आप जाओगे वैसे आपको वापस से री लॉगिन करना है। तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी, जिसमें आपको सारी जानकारी यहाँ पे फिल करनी है। आपकी पर्सनल डिटेल, दैट इज़ योर नेम, योर फादर नेम, सेम लाइक आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपके एड्रेस की डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सेम आफ्टरवर्ड्स एजुकेशन डिटेल मेंशन करनी है। रिजर्वेशन कैटेगरी आपका क्या है, फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है एंड कॉन्टैक्ट डिटेल अच्छी तरह से फिल करनी है। ये पूरा फॉर्म प्रॉपर कंप्लीट आपको अच्छी तरह से फिल कर देना है। एक बार आप फिल करोगे उसके बाद आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी, जिसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, सारी डिटेल पे एक बार क्लिक करते जाके आपको लास्ट में कंफर्म प्रोफाइल करना है। एंड जैसे स्टूडेंट्स आप लोग कंफर्म प्रोफाइल करोगे उसके बाद आप इजीली ऑनलाइन कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कॉलेजेस से अप्लाई करने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि आप लोग को सबसे पहले कोर्स सिलेक्ट करना है। सो कोर्सेज सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ ध्यान देना यहाँ पे कि अगर जब भी आप कोई भी कोर्स सिलेक्ट करते हो, से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि आपको बीकॉम के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे काफ़ी सारे आपको बीकॉम कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे। तो आपको क्या अप्लाई करना है ये देखो। सो आपको स्टूडेंट्स बीकॉम, अगर सपोज से फॉर एग्जांपल मैं बीकॉम की बात कर रहा हूँ, तो बीकॉम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको सारे स्क्रीनशॉट के साथ पूरा मेंशन किया हुआ है कि अगर सपोज कोई ऑटोनॉमस कॉलेज में अप्लाई करना है आपको, से फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा मिठीबाई कॉलेज, अगर मुझे मिठीबाई कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मिठीबाई इट इज़ ऑटोनॉमस कॉलेज, तो वहाँ पे मुझे बीकॉम एंड ऑटोनॉमस सेलेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे रेगुलर बीकॉम नहीं चलेगा, वहाँ पे कंपलसरी आपको क्या सेलेक्ट करना है, बीकॉम एंड ऑटोनॉमस सेलेक्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल कोई रेगुलर कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल विले पार्ले की धानुकर कॉलेज, अगर मुझे धानुकर कॉलेज में बीकॉम के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे मुझे बीकॉम इन ब्रैकेट विद क्रेडिट एंड रेगुलर है तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेम लाइक मैं अगर स्टूडेंट्स आपको बोलूँ कि आपको बीएमएस के लिए अप्लाई करना है, बीबीआई के लिए अप्लाई करना है, बीएफएम के लिए अप्लाई करना है, बैफ के लिए अप्लाई करना है, बीएमएस के, यानी आप कोई भी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको अगर कोई भी ऑटोनॉमस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उतना चीज ध्यान में रखो स्टूडेंट्स कि आपको वहां पे जो भी स्ट्रीम्स आप सिलेक्ट करोगे उसके ब्रैकेट में ऑटोनॉमस लिखा हुआ रहेगा एंड विद क्रेडिट लिखा रहेगा, तो आपको वही सिलेक्ट करना है ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए। और जो रेगुलर कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके रिलेटेड आपको वो रेगुलर सिलेक्शन करना है। तो ये चीज मिस्टेक मत करना, ये भूलना मत, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको वहां पे ऑटोनॉमस सेलेक्ट करना है, और रेगुलर कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। और एक चीज मैं आप लोग को यहां पे बता देता हूं कि जब भी हम लोग पहले बीएमएम के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे एफआई बीएमएम कर रहे पहले आता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है ये साल से। अगर आपको बीएमएम के कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो आपको कंपलसरी ये वाला पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें भी सेम वही सिचुएशन है, अगर आपको ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एफआई बीए इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई रेगुलर कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे रेगुलर वाला सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये कन्फ्यूजन मत रखना कि बीएमएम नहीं है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना कि बीएमएम के लिए आपको ये स्ट्रीम अभी अप्लाई करनी है। अगर आपको बीए करना है तो सेम लाइक बीए इन ऑटोनॉमस और बीए रेगुलर करके आपको ये लेना है। काफ़ी स्टूडेंट्स को वो कन्फ्यूजन रहेगा, सर ये ऑटोनॉमस क्या होता है, सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमस यानी एक ही चीज़ है कि उनका जो सिलेबस रहेगा, उनकी जो पैटर्न रहेगी, उसमें मुंबई यूनिवर्सिटी इंटरफेयर नहीं कर सकती, पर बाकी सब कॉलेज में मुंबई यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आपको पेपर पैटर्न्स हो गई कि आपकी सारी जो डिटेल्स हो गई सिलेबस की वो फॉलो करनी पड़ी, यानी यही फ़र्क है, बाकी तो कुछ ऐसा कोई टेंशन नहीं है। सो जैसे आप कोर्स सिलेक्ट कर दोगे उसके बाद आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी, जिसमें आपको आपके लास्ट क्वालिफाई एग्जाम सेलेक्ट करनी है। ऑब्वियसली आपके लास्ट क्वालिफाई एग्जाम एचएससी रहेगी, तो आपको एचएससी सेलेक्ट करना है। और नीचे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना, दैट इज योर प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस यानी क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर आप लोग
कोई भी इन हाउस कॉलेज इसमें अप्लाई करना चाहते हो, कि जैसे आप लोग ने फॉर एग्जांपल, और एक बार में मिठीबाई कॉलेज का एग्जांपल देता हूँ, मैंने 11th 12th मिठीबाई से किया और अभी मुझे बीकॉम के लिए अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली आपको सेम कॉलेज में अप्लाई करना है मिठीबाई में, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा वांट टू अप्लाई इन हाउस सीट। ओके, अगर सपोज आप ये सिर्फ इन हाउस सीट एप्लीकेबल है ओनली फॉर बीकॉम बीए वो सब के लिए, अगर आप सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज कर रहे हो जस्ट लाइक बैफ बीबीआई बीएमएस, तो उसके लिए इन हाउस एप्लीकेबल होगा नहीं। और अगर आप माइनॉरिटी की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे माइनॉरिटी बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे अगर सपोज आप लोग कोई भी कोर्सेज स्ट्रीम अप्लाई कर रहे हो जस्ट लाइक बैफ बीबीआई बीएमएस उसके लिए, तो आपको माइनॉरिटी सेलेक्ट करके यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट योर माइनॉरिटी जो भी आपका यहाँ पे रहेगा उससे। अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स वही है कि जैसे मैंने कोर्स सेलेक्ट कर दिया, सारी जानकारी दे दी, उसके बाद आप लोग को कॉलेज सेलेक्ट करना है। सो कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग जैसे कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करोगे वहाँ पे यू कैन इजीली सर्च विद द कॉलेज नेम, कॉलेज नेम से आपको वो कॉलेजेस सर्च करनी है, या फिर अगर आपको कॉलेज का कोड पता है तो आप इजीली वो कॉलेज के कोड के द्वारा भी आप इजीली सर्च कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट अगर आप कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो उसके सारे जस्ट कॉलेजेस के फॉर्म फिल कर दो, एंड उसके बाद सारी कॉलेजेस के आपको वैसे ही वन बाय वन फॉर्म फिल करने हैं। और जैसे आप लोग ने कॉलेज सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में कंपलसरी डॉक्यूमेंट पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, दो अभी आपके पास हाथ में रिजल्ट आया नहीं है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो वेबसाइट से maharizult.net वेबसाइट है, आप लोग ने रिजल्ट ऑनलाइन देखा था, तो वही रिजल्ट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो वैसे ले सकते हो, कि आप अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है, कि लिविंग सर्टिफिकेट है, कि कास्ट के रिलेटेड सर्टिफिकेट है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है आपको। जैसे आप अपलोड करोगे तो वैसे ही यहाँ पे वो कॉलेज का नाम, उसका प्रोग्राम, उसकी डेट्स, उसका स्टेटस कंपलसरी कंप्लीटेड लिख के आना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे एक प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके वहाँ पे रहेगा, आपको सीधा सा आपको क्लिक करना है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे। और जैसे स्टूडेंट्स आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, आपकी सीधा यहाँ पे एक और एक स्क्रीन आ जाएगा, दैट इज डाउनलोड ई सुविधा टिकट एंड वेरीफाई योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको सिंपली क्लिक करना है प्रिंट योर ई सुविधा टिकट पे। जैसे आप ई सुविधा टिकट पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको वेरीफिकेशन कोड रहेगा, वो वेरीफिकेशन कोड को सेव कर देना, एंड उसको कॉपी करके वापस से आपको वही एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके वहाँ पे वो कोड डालना एंड उसको वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करोगे उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, प्रिंट होगा। तो जैसे आपने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद आप इजीली एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, और सारी कॉलेजेस के वैसे ही स्टेप बाय स्टेप ऐसे और भी कॉलेजेस के फॉर्म भर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो स्टूडेंट्स अभी, कि आप लोग ने मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दिया है, उसके बाद का भी स्टेप बाकी है। यानी आप लोग ने जो भी कॉलेज का फॉर्म भरा है मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, वापस आपको वही कॉलेज का फॉर्म वही कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी ऑनलाइन भरना है। यानी से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अभी अप्लाई किया है मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिठीबाई कॉलेज, तो अभी मुझे मिठीबाई कॉलेज की भी वेबसाइट पे जाके उसके भी फॉर्म भरने पड़ेंगे, जो भी स्ट्रीम में आप अब भरना चाहते हो फॉर्म वो सारी स्ट्रीम के लिए। तो यानी आपको यहाँ पे दो फॉर्म भरने हैं, यानी एक मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो भरना ही भरना है, साथों साथ आप लोग को ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए वो कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी फॉर्म भरना है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है स्टूडेंट्स, के मुंबई यूनिवर्सिटी ने अभी सर्कुलर निकाला है, एंड वो सर्कुलर में सारी डेट्स उन्होंने मेंशन कर दी है कि कौन सी डेट को फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट है, थर्ड मेरिट लिस्ट है, एंड इन हाउस एडमिशन कौन सी डेट तक खत्म हो जाएंगे। सो काफ़ी सारी कॉलेजेस ने तो ऑलरेडी डिक्लेरेशन दे दिया है कि हम लोग इन हाउस एडमिशन 31 जुलाई से पहले ले लेने वाले हैं। वैसे ही यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी के सर्कुलर फॉर्म में आप लोग को सारी डेट मैंने यहाँ पे मेंशन करके दी है
कि सब यहाँ पे सेल ऑफ एडमिशन फॉर्म 24 तारीख से लेके 4 अगस्त तक रहेंगे। प्री एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी वेबसाइट 4 अगस्त से पहले आपको 1 बजे तक भरने हैं। सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म अलोंग विथ फोटोकॉपी ऑफ प्री एडमिशन फॉर्म इट्स कंपल्सरी, दैट इज मैंडेटरी 27 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक 3 बजे तक सारे के सारे इन हाउस एडमिशन एंड माइनॉरिटी कोटा एडमिशन पहले ही खत्म हो जाने वाले हैं। यानी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी सेम डे यानी 4 तारीख को आ जाएगा शाम को 7 बजे। वैसे ही उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। वैसे ही सेकेंड मेरिट लिस्ट 10 तारीख को आएगा एंड थर्ड मेरिट लिस्ट 17 को आएगा। सो ये सारी डेट्स ध्यान रखना स्टूडेंट, कोई भी डेट आप मिस मत कर देना। एंड और एक चीज मैं आप लोग को ये वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी वही कंफ्यूजन है कि सर ये सब ठीक है, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक सर्कुलर पढ़ा था कि वहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है कि हम लोग एक कॉलेज में अप्लाई कर देंगे उसके बाद अनदर कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सपोज अभी इन हाउस में कोई भी जगह पे सिक्योर करवा रहे हो एडमिशन, आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद आपका कोई और कॉलेज में नाम आता है देन यू कैन ईजीली स्विच योर एडमिशन, यानी आप आराम से अपनी कॉलेजेस चेंज कर सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है। दो आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए है, फीस भर दिया है, कोई टेंशन नहीं है, यू कैन ईजिली विड्रॉ योर एडमिशन एंड आप बाकी की कॉलेज में जाके कर सकते हो। एंड और एक चीज मैं ये वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूँ कि माइनॉरिटी के एडमिशन आप लोग को कॉलेज की वेबसाइट पे जाके सारी माइनॉरिटी की डिटेल्स अलग अलग से भरनी है। तो ये सब डाउट टेंशन मत लेना, कंफ्यूज मत होना। अभी भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप राज कॉम्प्यूटर्स की हेल्प ले सकते हो। मैंने सारी डिटेल्स आपको वीडियो के द्वारा शेयर कर दी है, मेरे सारे मोबाइल नंबर्स, मेरे सारे यानी आपको गूगल फॉर्म्स वगैरह सब कुछ डिटेल आप लोग के पास ऑलरेडी है स्टूडेंट्स। तो अभी भी कुछ भी क्वेरीज आता है तो आप बेझिझक नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर पे आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको और भी डिटेल में हेल्प कर सकूँ।